कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या अप्रोचेस को, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है और प्रोसीजर पहले जो हुआ करते थे, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थे या अप्रोचेस थे, उसको कंपेयर करेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के साथ, और इसमें साथ ही साथ देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ये जो लिखा हुआ है ना OOP, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर, वेयर इज इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज इफ कोड ग्रोज द प्रोजेक्ट साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होता है ना, कुछ चीज़ों को मैनेज करना और मेंटेन करना इजी हो जाता है, लेकिन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, उसमें जितना बड़ा आपका मतलब कोड बढ़ता जाएगा तो प्रोजेक्ट का साइज भी बढ़ेगा और वो मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हो गया वो हमने फोकस किस पे हो गया, डिफरेंस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो पहला जो है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना और डेवलप करना। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग, ये आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा होता है एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, वो सारा डेटा सबको दिखेगा, ग्लोबल डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है आप। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि जावा जैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप जितना चाहो उतना ही अगला आदमी देख सकता है, सारा कोड देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को आप हाइड कर सकते हो, सिर्फ फंक्शनैलिटी को आप बता सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड इवेंट मच मोर इफेक्टिवली। जो रियल वर्ल्ड इवेंट्स हैं उसको सिमुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के थ्रू इजीली, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ल्ड इवेंट्स क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, तो उस टाइप की चीज़ों को हम इजीली इसमें सिमुलेट यानी कि उसको यूज़ कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इफ़ वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें चांसेस आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू बढ़ जाते हैं कि रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यूज़ करके रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशंस आप बेटर दे सकते हो। अब इसमें देखिए, यह हमारा जो पहला है वो एग्जाम्पल है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब इसमें क्या है, ग्लोबल डेटा, यहाँ पे हमारा क्या है, जो फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आपने मान लीजिए 3 फंक्शन बनाए, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ये तीनों के तीनों ग्लोबल डेटा होंगे। किस टाइप के डेटा होंगे, ग्लोबल, मतलब ग्लोबल का मतलब क्या होता है, कोई भी देख सकता है उसको, ठीक है। अब मान लीजिए टीम में काम कर रहे हैं आप, 5 लोगों की टीम है, आप अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं और आपका जो मॉड्यूल है उसमें आपने 3 फंक्शंस बनाए हैं और आप चाहते हैं कि अगला जो आप किसी को भेज रहे हैं तो वो फंक्शन 1 ना देख पाए, तो प्रोसीजरल में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप उनसे छुपा सकते हो, सारा का सारा एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर चीज़ों को ले आते हो। एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, अब आप चाह रहे थे कि भाई फंक्शन 1 अगले को एक्सेसिबल ना हो, तो उसको हम अलग ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, ठीक है। और अलग ऑब्जेक्ट में डाल के वो ऑब्जेक्ट उनको हम शेयर ही नहीं करेंगे, हम ये वाला ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे जिसमें फंक्शन 2 और फंक्शन 3 है सिर्फ। तो यही ये बेनिफिट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है यहाँ पर।